हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। आज हमारा टॉपिक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ही रोट रिमार्केबल ट्रेजेडीज। हिज फोर ग्रेट ट्रेजेडीज आर पॉसिबली ग्रेटर अचीवमेंट्स देन एनीथिंग एकम्प्लिश्ड इवन बाय द ग्रीक्स, बट ही नेवर फ्रेम्ड एनी ट्रेजिक कंसेप्शंस एंड नेवर फॉर्मुलेटेड अ थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर नॉट ब्लैक एंड ब्लैंक एक्सप्रेशन ऑफ क्रूअल डेस्टिनी एंड नथिंग एल्स। Of the two theories, the theories of fatality and the theory of responsibility, Shakespeare perceives that both each its place have in them something of truth, that both correspond the inevitable realities of life. Shakespeare was familiar with both, seemed to influence the development of his tragedies and color the utterance of his characters. In his greatest tragedies, he maintained a balance between them, behaving that each was complementary to the other. For example, okay, जो शेक्सपियर हैं संसार के सबसे महान नाटककारों में से एक माने जाते हैं। उनके शानदार दुखान नाटक लिखे हुए हैं। इनकी चार ट्रेजडीज जो कि भारत में इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलाई है, जो आज तक किसी भी नाटककार ने नहीं उपलब्ध की थी। शेक्सपियर की ट्रेजडी नाटक मात्र निर्दयी भाग्य के अतिशीत तथा कोरा विभक्ति मात्र नहीं है। दो सिद्धांतों, भाग्य का सिद्धांत, उत्तरदायित्व का सिद्धांत, शेक्सपियर सोचते हैं इन दोनों में अपने अपने स्थान पर कुछ बहुत कुछ सत्य है तथा दोनों ही निसंदेह मानव जीवन की वास्तविकताओं से मिलते जुलते हैं। शेक्सपियर इन दोनों ही सिद्धांतों से अवगत थे। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ने ट्रेजेडी नाटकों के विकास को प्रभावित किया तथा दोनों ही उसके चरित्रों के कथन को अपने रंग में रंगा था। अपने महानतम दुखांत नाटकों में इन दोनों के मध्य संतुलन बनाए रखना है, इस विश्वास के साथ दोनों एक दूसरे के पूरक हों। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स ट्रेजडीज, अ स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल सफरिंग। एज ब्रेडली हैज राइटली सेड, ट्रेजडी विद शेक्सपियर्स इज ऑलवेज अ स्टोरी ऑफ एक्सेप्शनल सफरिंग लीडिंग टू द डेथ ऑफ अ पर्सन ऑफ हाई डिग्री who has some inherent weakness of characters. The calamities of tragedy do not merely happen, nor are they sent by heaven, or are the result of God's wrath. They proceed mainly from actions and those from the characters of men. देखिए, जो है शेक्सपियर की ट्रेजडी एक असाधारण पीड़ा की कहानी है। जैसा ब्रेडली ने कहा है कि शेक्सपियर के लिए दुखांत नाटक असाधारण पीड़ा की कहानी है, जिसमें किसी उच्च पद पर आसीन व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति के करैक्टर में कोई ना कोई कमजोरी देखी जा सकती है। ट्रेजडी नाटक की आपदाएं, दुखांत नाटक की आपदाएं स्वयं यूं ही घटित नहीं होती, ना ही वे ईश्वर के द्वारा भेजी जाती हैं और ना ही ये ईश्वर के क्रोध का परिणाम होती हैं। ये मुख्य रूप से घटना या कार्य से उत्पन्न होती है तथा मनुष्य के चरित्र से उत्पन्न होती है अथवा निकलती है। ट्रेजडी का केंद्र एक्शन, कार्य या घटना में निहित होता है, जिसकी उत्पत्ति करैक्टर से होती है और करैक्टर की उत्पत्ति एक्शन से होती है। नेक्स्ट है शेक्सपियरियन ट्रेजडी ऑफ करैक्टर्स। The essence of Shakespeare's tragedy is that fate presents a problem which alone is difficult for the particular hero at a time when he is least fitted to tackle it. In fact, the fatal power of incompatibility of temperament with conditions of the
Life seems to have been the product of Shakespeare's own mind. Some other person might have solved the problem easily, or the same person under different circumstances might have solved easily. For example, if Hamlet or Othello could exchange places, the tragedies of Hamlet and Othello could hardly be tragedies. जो इसके जो करेक्टर्स हैं शेक्सपियर के दुखड़ नाटकों का सार ये है कि भाग्य एक ऐसी समस्या उत्पन्न करता है जो अकेले किसी विशिष्ट हीरो के लिए किसी निश्चित समय पर हल करना कठिन होता है, क्योंकि ये समस्या को हल करने के लिए एक उपयुक्त या योग्य नहीं है। स्वभाव की इस असंगत शक्ति को जीवन की परिस्थितियों से टकराव स्वयं शेक्सपियर के अपने मस्तिष्क की उपज प्रतीत होती है। कोई अन्य व्यक्ति इस समस्या को सरलता से हल कर सकता था, या वही व्यक्ति भिन्न परिस्थितियों में उस समय की सरलता से हल कर सकता था। नेक्स्ट है, शेक्सपियर्स ट्रेजेडी प्रेजेंट्स एंड एक्सल्टिंग पिक्चर ऑफ मैनकाइंड्स हीरोइक स्ट्रगल। एज रिगार्ड्स द जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द मटेरियल, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी दैट गिव्स सम आइडियाज ऑफ हिज डेफिनेशंस ऑफ ट्रेजेडी। For Shakespeare, tragedy becomes the stern of full but exulting picture of mankind's heroic struggle towards a goodness which enlarges and enriches itself as human experience grows longer and wider through the ages. In fact, he endeavored to delineate them as essentially stirring and often melodramatic. देखिए, जो शेक्सपियर का वो है दुखांत नाटक मानव जाति के परंपरागत युग संघर्ष के उत्कृष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक कि पदार्थ या विषय सामग्री के से सामान्य व्यवहार की बात है, इसमें एकता है। उसकी ट्रेजेडी की परिभाषा कुछ और संकेत करती है। शेक्सपियर के लिए दुखांत नाटक मानव जाति के पराक्रम युक्त संघर्ष की कठोर भयानक परंतु उत्कृष्ट चित्र बन जाती है, जो समय के साथ मानव अनुभव के साथ अधिक विस्तृत एवं अधिक संपन्न हो जाता है। वास्तव में ऐसे थीम्स उनकी ट्रेजेडी में प्रस्तुत करने का प्रयास करा जाता है, जो आवश्यक रूप से उत्तेजित करने वाले बहुधा मेलोड्रामेटिक होते हैं। नेक्स्ट है, मेन एलिमेंट्स इन शेक्सपियर्स कंसेप्शंस ऑफ ट्रेजिक ड्रामा। टू सम अप एज निकोल पुट्स इट, शेक्सपियर्स एंडेवर इन ट्रेजेडी हैज बीन ब्रॉड एंड वेरिएटेड, बट फ्रॉम इन एनालिसिस ऑफ इट चीफ प्ले वी कैन परहैप्स इंडिकेट इन अ समरी फॉर्म सम ऑफ द मेन एलिमेंट्स इन हिज कंसेप्शंस ऑफ ट्रेजिक ड्रामा। Tragedy for him is not thing of love, he finest plays, but love far into the background. It is built upon a union of character and fate, fusion of moral error with fatal power. The tragic hero has the fatal flaw, yet is placed in such circumstances, and that is given his azure. देखिए, इसके मुख्य तत्व क्या हैं। निकोल ने कहा है कि ट्रेजेडी में शेक्सपियर के प्रयास विस्तृत और विभिन्न रहे हैं, परंतु इसके कुछ मुख्य नाटकों की विवेचना से हम संक्षेप में उसके दुखांत धारणा के मुख्य तत्वों का कुछ संकेत दे सकते हैं। जैसे दुखांत नाटक उसके लिए कोई प्रेम की वस्तु नहीं है, उसके सर्वोत्तम नाटक प्रेम की दूर पृष्ठभूमि में ही से रखते हैं। इसका निर्माण या इसकी रचना भाग्य चरित्र के संगठन पर होती है, जिसमें घातक शक्ति एवं नैतिक त्रुटि का समावेश होता है। ट्रेजिक हीरो में कोई घातक दोष होता है, फिर भी इसकी ऐसी परिस्थितियों में रखा जाता है कि उसका विनाश निश्चित होता है। नेक्स्ट है, शेक्सपियर्स ट्रेजिक हीरोज। इट इज अमेडिस्ट सच एनवायरमेंट दैट द ट्रेजिक हीरो अनेबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम हिज अल्टीमेट डूम इज ग्रांटेड दैट ग्लिम्पस ऑफ वाइट माइट हैव बीन अ कन्वर्जन इन अ आउटलुक विच इनेबल्स हिम टू डाई विद अ सेम एंड cleansed mind, a true conception of their own actions, painful as they may be, shed like light into their souls. शेक्सपियर के जो दुखान नाटक के नायक हैं, इस वातावरण के ट्रेजिक हीरो
को विनाश से बचा पाने में समर्थ रहता है, उसकी झलक प्रदान की जाती है। इसको हम दृष्टिकोण परिवर्तन कह सकते हैं, जो उसको बुद्धिमत्ता पूर्ण तथा स्वच्छ मस्तिष्क के साथ मरने की योग्य बनाता है। उसके दुखद एक्शन को सच्ची धारणा उनकी आत्मा पर भी प्रकाश डालती है। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स यूनिवर्स सेलिटी। शेक्सपियर बीहेल्ड द होल पेनोरमा बोथ विद सिंपैथी एंड विद नेगेटिव कैपेबिलिटी। ही पोर्ट्रेड अ रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लाइफ मेंटेनिंग द ट्रेजिक प्लान्स बिटवीन ट्रूथ एंड ब्यूटी। एज सच हिज प्लेज टच द कोड ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड आर यूनिवर्सल इन देयर इम्पैक्ट। इन द ओपिनियन ऑफ एन एमिनेंट क्रिटिक्स शेक्सपियर ट्रेजिडीज आर थ्रो एंड थ्रो रिप्लेट विद यूनिवर्सैलिटी। जो शेक्सपियर की सार्वभौमिकता है, ये जीवन के संपूर्ण दृश्य को सहानुभूति तथा नकारात्मक क्षमता के साथ देखता था। उसने जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत किया है, सत्यता और सुंदरता में पूर्ण संतुलन बनाए रखा है। एक प्रमुख आलोचक का कथन है, शेक्सपियर के दुखान नाटक पूर्णतः सार्वभौमिक हैं। हैमलेट, मैकबेथ, लियर और ओथेलो का संबंध किसी विशेष राष्ट्र एवं विशेष युग से नहीं है। उनके गुण सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापी हैं और इसका संबंध संपूर्ण विश्व से उनकी भावना कार्यों में सार्वभौमिक अपील है। लास्ट इज कंक्लूजन। नो अदर ड्रामाटिस्ट हैज सीन सो क्लियरली द डबल लाइफ ऑफ द सोल। None has held the skills so evenly between the two worlds which contend for her positions. None has grasped so unerringly the tragedy so bitter and so ennobling which springs from their collision. किसी अन्य नाटककार ने आत्मा का ये दोहरा जीवन नहीं देखा है और किसी ने उन दोनों संसारों में जो अपने अधिकार या आदित्य पत्ते के लिए संघर्ष करते हैं।